नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज हम आपको मोरियाना टॉप की कहानी सुना रहे हैं। कैसे बदला है ये पिछले कुछ सालों में। जब आप देहरादून से उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं तो इस टॉप की यानी जो मरोड़ गांव के आसपास है, पूरी जो इकोनॉमी है वो बदल दी है। यहाँ के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जो सब्जियाँ उगाते हैं, कैश क्रॉप फ्रूट्स, वो यहाँ पर बेचते हैं। तो साल भर आप कभी भी इस रास्ते उत्तरकाशी जाएँ या उत्तरकाशी के रास्ते देहरादून जाएँ, यहाँ पर आपको फल और सब्जियाँ जरूर मिलेंगी। तो आइए चलते हैं मोरियाना टॉप की छानियों की तरफ। पुराने ज्यादा लोग छान में रहना पसंद करते हैं, लोग फिर भी घर में जाते हैं, दिन में आते हैं। आप कब? हमेशा रहते हैं, पहले से घर रहते हैं, लेकिन अब ज्यादा मन, अब ज्यादा ये है कि घर में लोग, अब ये बारह मस ये हम ग्राम मरा के मूल निवासी और ये हमारा टांडा है छानी मोरियाना नाम से एक से ही। और यहाँ पे हम लोगों का यही है, खेती में साग सब्जी फल फ्रूट यदि हर चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी की भूमि से जो है पानी नहीं है। देहरादून से जो लोग आते हैं यहाँ पे जरूर एक बार वो लोग यहाँ पे स्टॉक करते हैं। थोड़ा यहाँ पे ठंडा भी है, इलाका ठंडा है यहाँ पे, तो लोग देहरादून से चलने के बाद यहाँ पे लोग थोड़ा सा इधर उधर व्यू भी अच्छा है, सामने हिमालय वगैरह जैसे उसका भी देखने के लिए लोग रहते हैं यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर। अच्छा, कितने साल हो गए? साल भर हम तो बचपन से आए हैं। क्या क्या खेती बाड़ी के क्या खेती बाड़ी भी आलू वालू मटर मोटर बस गोभी का भी हो गया। रोड का बैग है? रोड 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 तो छह साल हो बाबर में। हाँ तो सब्जी उब्जी बिक जाए ना सब? हाँ थोड़ा बहुत बिक जाने। और अभी चीज बनी नहीं, मैं हर बार मतलब देखो हर बार वो चीज भी नहीं होती, नहीं होती है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो अजीब सा हो गया। ये बहुत अच्छे हैं, ये लो ना। नहीं ये है, ये पक गए ना बिल्कुल। जी जो पुलम तोड़ के आ रहे हैं मोरियाना में, अब मोरियाना टॉप के पास पुलम सेब जो फ्रूट है वो भी लगा रहे लोग और उसको भी बेच रहे हैं। सब्जियां तो यहाँ पर होती ही हैं, थोड़ी पानी की दिक्कत है। टॉप में जो भी जगह होती है पहाड़ों में, वहाँ पानी की दिक्कत तो होती ही है। हमें जब इसके पत्ते डाल दिए
आलू क्या रेट है? आलू 20 रुपये 10 किलो तो ले लेंगे।